10 मई 2001 से पहले नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मी 60 वर्ष की आयु पर होंगे सेवा निवृत्त। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 15 वर्ष का कठोर कारावास। अब दोगुना मिलेगा सचिवालय भत्ता, नए वेतनमान के लिए गठित कमेटी ने शुरू किया काम। अब खबरें विस्तार से। राशन डिपो में उपभोक्ताओं से ऑनलाइन बिल के 25 पैसे नहीं लिए जाएंगे। सरकार ने उपभोक्ताओं की यह सुविधा निशुल्क देने का फैसला लिया है। UIDAI की ओर से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का शुल्क 10 सितंबर 2021 से लागू किया गया था। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कल्याणकारी योजना है। सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को राशन में सब्सिडी दी जा रही है। इस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण शुल्क को प्रदेश सरकार वहन करेगी। इससे हिमाचल के 19,30,000 राशन कार्ड धारकों को फायदा होगा। सरकार इस पर लगभग 55.58 लाख रुपए वहन करेगी। हिमाचल प्रदेश में अब सचिवालय भत्ता दोगुना मिलेगा। राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि सचिवालय भत्ता 1 जुलाई 2021 से तय होगा। ये मामला लंबे समय से विचाराधीन था। नया वेतनमान लागू होने के बाद कर्मचारी इस मांग को उठा रहे थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त ने प्रधान सचिव सचिवालय प्रशासन को इस संबंध में एक पत्र भेजा है। ये मालूम रहे कि सचिवालय की अलग अलग श्रेणियों को ये अलग अलग दिया जाता है। सबके लिए ये दोगुना किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में नया वेतनमान लागू करने में आ रही समस्याओं और इनके निराकरण के लिए वित्त सचिव अक्षय सूद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। स्पेशल पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट के हिमाचल प्रदेश के सोलन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने कर्मकांड के बहाने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक व्यवसाय से पूजा पाठ का काम करने वाले सेवक ने जो है अभिमंत्रित चावल देने के बहाने एक 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस पर अदालत ने उसे IPC 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत ये सजा सुनाई है। दोषी को 25,000 जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त सामान्य कैद भुगतनी होगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला नगर निगम में 3 बार 3 अलग अलग राजनीतिक दलों से पार्षद का चुनाव जीतने वाली सांगटी पार्षद मीरा शर्मा ने नगर निगम चुनाव से ठीक पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मीरा ने नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली और महापौर सत्या कौंडल को इस्तीफा सौंपा है। अपना पद छोड़ने के पीछे पार्षद ने निजी कारणों का हवाला दिया है। 3 साल के भीतर मीरा ने दूसरी बार पार्षद पद से इस्तीफा दिया है। जून 2017 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती मीरा ने सितंबर 2018 में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त पद छोड़ने के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया था, लेकिन 3 महीने के भीतर हुए चुनाव में मीरा फिर मैदान में उतर गई। भाजपा के टिकट पर मीरा ने तीसरी बार पार्षद पद का चुनाव जीता था। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विधानसभा के घेराव के लिए हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में तैनात कर्मचारी बुधवार को मंडी की ऐतिहासिक सेरी मंच से पैदल शिमला की ओर निकल पड़े। 3 मार्च को शिमला पहुंचकर कर्मचारी विशाल प्रदर्शन करेंगे। सेरी मंच पर कर्मचारियों का जुनून देखते ही बना। कर्मचारी काफी संख्या में खाने पीने का सामान लेकर शिमला निकले। कई महिला कर्मचारियों ने हाथ में दुधमुहे बच्चे भी संभाले थे। बुधवार सुबह करीब 11 बजे नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारी मंडी शहर के ऐतिहासिक सेरी मंच पर इकट्ठा हुए और यहां से कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली के लिए पदयात्रा की शुरुआत की। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त आयु के संबंध में महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 10 मई 2001 के 1 से पहले सरकारी सेवाओं में लगे थे वे 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही सेवानिवृत्त होंगे। वे कर्मचारी चाहे इस तिथि से पहले नियमित हुए थे या अस्थायी रूप से लगे हुए थे फिर भी 60 वर्ष की आयु पर ही सेवानिवृत्त किए जाएंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी ऐसा कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया गया हो तो उसे भी 60 वर्ष की आयु का सेवानिवृत्त समझा जाए और इस दौरान का वेतन छोड़कर उसे नतीजतन लाभ पेंशन के रूप में दिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय बजट के सकारात्मक प्रभाव और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम पर आयोजित वेबिनार में बुधवार को नई दिल्ली से ऑनलाइन शिरकत की। इनमें DC किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने प्रदेश के सीमावर्ती गांवों के विकास को लेकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विकास कार्यों में तीव्रता लाने के लिए सुझाव रखे। DC ने कहा कि किन्नौर और लाहौल स्पीति के करीब 158 गांव चीन सीमा से लगते हैं। इनमें किन्नौर जिले के 129 और 69 गांव लाहौल स्पीति जिले के हैं। 39 गांव LAC से 10-20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 20 गांव शेडो
विलेज श्रेणी और 40 लोअर सिग्नल श्रेणी में आते हैं, जहां पर दूर संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 450 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की आवश्यकता है, जिस पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की 3 मार्च से पीजी डिग्री कोर्स की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। वहीं अप्रैल महीने में होने वाले यूजी डिग्री कोर्स की परीक्षा के रोल नंबर कॉलेज और संस्थानों से इंटरनल असेसमेंट आने के बाद ही ऑनलाइन जनरेट होंगे। विश्वविद्यालय इस बार इन दोनों डिग्री कोर्स की शुरू हो रही परीक्षाओं में इस नियम को सख्ती से लागू करने जा रहा है। इंटरनल असेसमेंट न आने पर कॉलेज और संस्थान ही जिम्मेदार होगा। हड़ताली कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान से डॉक्टर भड़क गए हैं। इससे मामला सुलझने की बजाय और बिगड़ गया है। पिछले 12 दिनों से हड़ताल कर रहे डॉक्टरों ने सरकार को 2 चेतावनी दी है कि 26 फरवरी को सभी डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। 27 फरवरी को होने वाले पल्स पोलियो अभियान में ये डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। इसके बाद 28 फरवरी से डॉक्टर फिर सुबह 9:30 से शाम 4:30 बजे तक अस्पताल परिसर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान रूटीन ओपीडी बंद रहेगी, लेकिन आपात सेवाएं जारी रहेंगी। सड़क हादसों में घायल होने वालों और गंभीर रोगियों का उपचार किया जाएगा। संतरे के छिलके से अब खाना पकेगा, उष्ण ऊर्जा भी मिलेगी। वहीं भविष्य में इसका उपयोग कारखाना चलाने वाली ऊर्जा से लेकर वाहनों को दौड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन के रूप में भी किया जा सकेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने ये कमाल कर दिखाया है। वैज्ञानिकों ने संतरे के छिलके से जैव ईंधन तैयार करने में सफलता हासिल की है, जिससे रसोई गैस, पेट्रोल और ताप ऊर्जा को इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। शोध टीम के निष्कर्ष हाल में ग्रीन केमिस्ट्री जर्नल में प्रकाशित किए गए हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस शोध से बायोमास से ईंधन विकसित करने में मदद मिलेगी, जो राष्ट्र की मांग है। गिरते पेट्रोलियम भंडार के चलते देश में ईंधन की खपत को पूरा करने में यह आविष्कार सहायक होगा और अन्य ईंधनों से सस्ता होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।